लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। सुबह के करीब 7 बजे गोदाम के अंदर अचानक आग लगने से गोदाम के अंदर स्टॉक करके रखी हुई लाखों रुपए की कीमत की लकड़ी जलकर राख हो गई। घटना की सूचना देते हुए मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के अधिकारी भूपिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि लकड़ी के गोदाम में आग लग गई है, जिसके बाद जब वह मौके पर पहुंचे तो आग इतनी ज्यादा फैल गई थी जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 40 के करीब गाड़ियां लग गई। इस आग के लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन गनीमत रही कि इस आग में किसी भी प्रकार की जानी हानि नहीं हुई है। गणपति टिम्बर ट्रेडर्स है, फिरोजपुर रोड के ऊपर ये गणपति टिम्बर ट्रेडर्स का जो है गोडाउन है लकड़ का। तो ये लकड़ के गोडाउन में सुबह 7:30 बजे आग लगी। हमें 7:40 पे सूचना आई। सूचना आते ही हमने गाड़ी भेजी, तो जब हमारे अफसरों ने मौके पर रिपोर्ट की कि आग ज्यादा है, तो फिर सभी स्टेशनों की गाड़ियां निकाली हुई है। तकरीबन 7-8 गाड़ियां आपके लगी हुई है, तो 35-40 गाड़ी आप पानी की इसके ऊपर डाल चुकी है। आग की तीव्रता को देखते हुए इसके ऊपर जो है ना पानी भारी मात्रा में डाला जा रहा है, तो सभी मुलाजिम जो इम्प्लाईज है फायर ब्रिगेड के काम पे लगे हुए हैं। तो अभी तक टोटल कितनी गाड़ियां? अभी तक 40 से ज्यादा गाड़ियां पानी की डाल चुकी है, अभी और भी 10 गाड़ियां लग जाएंगी। किस तरह का तो कोई नहीं, माल का नुकसान हुआ है, जानी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। हाँ, करोड़ों का नुकसान है। कितना नुकसान है और किस चीज का स्टोर? ये लकड़ का प्लाई का स्टोर है गोडाउन में।